क्या फिल्म सालार में डबल रोल में नजर आएंगे प्रभास? क्यों आए श्रुति हसन कंट्रोवर्सी में? और क्या है कॉमन केजीएफ चैप्टर 2 और सालार के बीच में? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। फिल्म सालार, जिसका मतलब है कमांडर इन चीफ, बॉलीवुड के बाहुबली की ये पैन इंडिया फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, जो कि काफी बड़े बजट में बनने वाली है और अगले साल 14 अप्रैल को स्क्रीन हिट करने आने वाली है। जब से केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ये अनाउंस किया कि वो अपनी अगली फिल्म प्रभास के साथ बनाने वाले हैं, जिसका नाम है सालार, तो काफी सारे फैंस एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि आखिर इसमें हीरोइन कौन होगी, और कई बॉलीवुड एक्ट्रेस पर चर्चाएं होने लगी। हालांकि फिल्म मेकर्स ने श्रुति हसन को सालार का पार्ट बनाकर इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। एक बार फिर इस फिल्म की हीरोइन को लेकर बात सामने आई है जो आपको जाननी चाहिए। श्रुति हसन इस फिल्म में लीडिंग लेडी के किरदार में नजर नहीं आएंगी। इस फिल्म की हीरोइन है वाणी कपूर, जबकि श्रुति हसन तो इस फिल्म में एक पॉलिटिकल टीवी जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगी। वही डायरेक्टर प्रशांत भी इस फिल्म के लिए प्रभास को एक स्टाइलिश मेकओवर देने जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ड्रामा फिल्म के साथ साथ इस फिल्म में हमें प्रभास के कई ऐसे लुक दिखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे। आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास के सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए फिल्म मेकर्स ने 4 लाख का खर्चा किया है। वही बॉलीवुड के पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट को इस काम का जिम्मा दिया है। हम सभी जानते हैं कि फिल्म केजीएफ के बाद कन्नड़ मूवीज का जो दबदबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब कन्नड़ मूवीज की ताकत का अंदाजा हर कोई लगा सकता है। वहीं जाने माने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का भी यही कहना है। वो कहते हैं कि पहले कन्नड़ फिल्मों को ज्यादा सीरियसली लोग नहीं लिया करते थे, लेकिन केजीएफ ने सब कुछ बदल कर रख। वहीं जैसे ही फिल्म सालार में श्रुति की अनाउंसमेंट हुई, कन्नड़ के फिल्म लवर्स को ये बिल्कुल गवारा नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण ये है, दरअसल श्रुति ने कई साल पहले ये पोस्ट किया था कि वो कन्नड़ फिल्में नहीं करना चाहती, उनका कोई भी इरादा नहीं है कन्नड़ फिल्में करने का। लेकिन फैंस ने उनके इस पोस्ट को खोद कर निकाल लिया और ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि अगर वो फिल्म नहीं करना चाहती थी तो अब क्यों कर रही, क्या ये सब बड़े बैनर के लिए और या फिर बाहुबली प्रभास की वजह से है। वही सालार एक के बाद एक बड़े विवादों में आ चुकी है। ऐसा ही हुआ इस फिल्म के टाइटल के साथ भी। जैसे ही फिल्म मेकर ने इस टाइटल की अनाउंसमेंट की, कन्नड़ फिल्म लवर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो डायरेक्टर के इस फिल्म को हिंदी नाम देने के पीछे के इंटेंशन पर सवाल उठाने लगे, और यही नहीं, उन्होंने तो प्रभास पर भी सवाल उठाए। उनका मानना था कि कई सारे कन्नड़ एक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभास से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो फिर उन्हें इस फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। डायरेक्टर प्रशांत केजीएफ चैप्टर 1 के बाद सुर्खियों में आ गए और उन्होंने फैसला किया कि वो 2 नए बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापसी करेंगे, जिनमें से एक है सालार और दूसरी है केजीएफ चैप्टर 2, जिसमें यश और श्रीनिधि शेट्टी हमें एक मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। क्या आपको पता है कि इन दोनों फिल्म के बीच एक कॉमन चीज है, और वो है इसका म्यूजिक सेक्शन। बसरूर रवि स्टूडियो में ये दोनों फिल्में क्रॉस पाथ पर चल रही हैं, जहाँ पे इनका साउंड ट्रैक, बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक फॉर्म किए जाते हैं। तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों फिल्मों के म्यूजिक फैंस को एक जैसे लगने लगे। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, दोनों फिल्में ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और ब्लॉकबस्टर भी होने वाली है। आपको बता दें कि प्रभास इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे, यानी कि बॉलीवुड के बाहुबली फिल्म सालार में पिता और पुत्र दोनों की भूमिका में नजर आ सकते हैं। क्या आपको पता है प्रभास की फिल्म सालार के थिएट्रिकल राइट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी डिमांड में है, और फिल्म मेकर्स को तो अभी से ही डील्स आने लगी है। वही टी सीरीज ने भी हिंदी राइट्स के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया। तेलुगु राइट्स की बात करें तो फिल्म मेकर्स के मुताबिक सालार के राइट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो केजीएफ चैप्टर 2 के राइट्स खरीदता है, और इस रेस में तेलुगु सिनेमा के प्रोड्यूसर दिलराजू सबसे आगे हैं। और वहीं पैन इंडिया हीरो अपने करियर के सबसे बेस्ट फेज को एंजॉय कर रहे हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन प्रभास ने आदि पुरुष और सालार के लिए करीब 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, और यही नहीं, इन दोनों प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का 10% हिस्सा भी प्रभास के ही हिस्से में। लेकिन प्रभास की टीम का कहना है कि वो 100 करोड़ से भी ज्यादा डिजर्व करते हैं, और हमें भी यही लगता है, जो अपनी एक्टिंग से फिल्मों में धूम मचा देता है।
सबको अपना दीवाना कर देता है और जिसके इतने सारे चाहने वाले फैंस हैं, वो तो पहले ही सब कुछ जीत चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रभास भी इस फिल्म को बाहुबली की तरह सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट्स के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे। टिल देन हैव अ सेफ टाइम।